नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी अपने बवासीर की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, चाहे आपकी बवासीर खूनी या बादी हो, तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग बादी और खूनी बवासीर की समस्या से परेशान हैं, उनके बवासीर से खून निकलता है, बादी यानी कि मस्से वाला बवासीर है, तो मस्से झड़कर बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे और आपको फिर से दोबारा कभी बवासीर भी नहीं होगा। अगर आपके बवासीर से ब्लड निकलता है तो वो भी समस्या खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको लेना है एक गिलास की मात्रा में पानी। जी हाँ, आप एक गिलास में पानी ले लें और इस पानी में सबसे पहले ऐड करें वो है दोस्तों नींबू। जी हाँ, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, जो कि हमारे पेट से गैस और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करता है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पेट में अगर लंबे समय से गैस और कब्ज की समस्या होती है तो वही आगे चलकर बवासीर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों हमारी बीमारी को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम जड़ से उसे खत्म करेंगे, जो इसके वजह से हमारा बवासीर बन रहा है उसी जड़ को हम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम नींबू को दो टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है आधी कटी नींबू को। तो यहाँ पर आपको इस पानी में आधी कटी नींबू को इसमें ऐड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आधी कटी नींबू को इस्तेमाल कर लेता हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके पेट में गैस और कब्ज भी नहीं होगा और उसके बाद से आपकी जो खूनी बवासीर होती है उसे ये खत्म करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने आधी कटी नींबू को इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद से हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों मिश्री। मिश्री डायबिटीज वाले पेशेंट जो भी है, यानी कि जिनको डायबिटीज है, वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें। और आपको धागे वाले मिश्री का ही इस्तेमाल करना है, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम इस मिश्री को लगभग एक चम्मच की मात्रा में इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस मिश्री को ऐड कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से इस पानी में ही इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों इन दोनों नींबू और मिश्री को मिलाकर आपको इसे बिल्कुल अच्छी तरह से घुला लेना है। इसके बाद से आप इसमें इस छोटे छोटे टुकड़े यानी कि गोंद कतीरे को इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों गोंद कतीरे के वजह से आपके जो मस्से वाले बवासीर है वो बिल्कुल झड़ कर नीचे गिर जाते हैं। अगर आपके मस्से से खून भी टपकता है तो वो भी समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है और आपकी खूनी और बादी दोनों को तो खत्म करेगा ही। तो आपको ये बहुत ही आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। तो आप क्या करें कि इसमें से मात्र 4 से 5 इस गोंद कतीरे के टुकड़े को इस पानी में ही आपको ऐड कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि आपको मात्रा का ध्यान रखना है इस गोंद कतीरे का। आपको यहाँ पर मात्र 4 से 5 ही गोंद कतीरे को इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 इस गोंद कतीरे को इसमें ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद से आप क्या करें कि आप इसे ऐसे ही कपड़े की मदद से रात्रि में ढक कर रख दें। दोस्तों जब आप रात्रि में ढक कर रख देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से ही इसे रात्रि में ही भिगो कर और रख दिया है, और जब आप सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे कि आपका नुस्खा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। दोस्तों इस्तेमाल जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग बवासीर की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो वो अपने इस परेशानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। दोस्तों सुबह खाली पेट मात्र 1 से 2 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका रिजल्ट जरूर पाएंगे। आपका जो बवासीर खूनी और बादी की समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।